दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के जो इंटरव्यू हैं वो अभी स्थगित कर दिए गए हैं, और बाकी प्रीलिम्स के बारे में भी कई सारे आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर एक बार इंटरव्यू के बारे में देखिए क्या बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये लिस्ट है जो कि आप लोगों को दिख रही है, जो यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू जो स्टार्ट किए गए थे वो स्टार्ट किए गए थे 17 फरवरी से ये इंटरव्यू चलकर ये जो खत्म होने वाले थे। लास्ट जो डेट थी यहाँ पर इंटरव्यू की वो थी यहाँ पर अप्रैल में, यानी कि 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल लास्ट डे थी, पर लेकिन आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री जो है वो 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दी गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो उसके चलते यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जो इंटरव्यू है वो अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, यानी कि अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट जो है कब इसको स्टार्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस ये इसी के इंटरव्यू स्थगित किए गए हैं, पैरेलल में यूपीएससी बहुत सारे और भी इंटरव्यू कंडक्ट कराती रहती है जो भी उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो सारे भी अभी यहाँ पर स्थगित कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलर आईएएस के लिए ही जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन्हीं को स्थगित किया गया है। तो यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें यह बोला गया है कि फर्दर ऑर्डर जो होगा वो बाद में अभी देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आगे प्रोसीजर को कैसे लेकर चलना है। 23 से पहले कंप्लीट हो चुके थे जिनके भी कंप्लीट हुए थे अब तक, पर लेकिन जो इसके बीच का है 23 से लेके 3 अप्रैल तक, तो यहां पर अभी ये जो इंटरव्यू जो बचे हुए हैं इनका अभी आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे भी यहां पर चीजें अवेलेबल होंगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो बातें आप लोगों के द्वारा पूछी जा रही है वो है यहां पर प्रीलिम्स के बारे में। आप लोगों की जो प्रीलिम्स की डेट है वो है 31 मई, तो अभी जो है ये काफी टाइम आप लोग यहां पर देखते हैं, पूरे पूरे 2 महीने हैं इसके बीच में। तो 2 महीने की अभी से अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन लगा के चलेंगे कि जो इंटरव्यू तो यहां पर अभी जो है वो स्थगित कर दिया गया है कि आप लोगों का प्रीलिम्स भी यहां पर इसी तरीके से पोस्टपोन किया जाएगा, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक अच्छा आइडिया होगा। आप लोग अपना 31 मई के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप लोग कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर मानिए इन केस कि इंटरव्यू जिस तरीके से स्थगित किया है, कंडीशन जो है अनफॉर्चुनेट ऐसी ही बनी रही, मैं तो दुआ करता हूं कि ऐसी कंडीशन न बने हालांकि, पर लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई में कि 2 महीने तक का अगर लॉकडाउन यहां पर चल रहा है तो फिर देखिए बहुत बुरी एक तरीके से दयनीय कंडीशन देश में बन जाएगी, तो उस टाइम पर तो फिर एग्जाम सब साइड में हो जाएंगे। पर लेकिन अभी यहां पर 2 महीने हैं और जैसे गवर्नमेंट अभी एहतियात बरत रही है, जैसे स्टेप उठा रही है, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हां जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन किया जाएगा। बाकी जैसे कि ओलंपिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अभी ओलंपिक पोस्टपोन कर दिए गए हैं, 2021 में होंगे। एनपीआर के बारे में मैंने अभी वीडियो बनाई, ओलंपिक और एनपीआर दोनों के बारे में वीडियो बनाई कि उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। पर लेकिन ये सारी चीजें यहां पर भी फिलहाल जो इनके लिए एक अलग तरीका पैटर्न है, ठीक है, उनकी जो खासकर अगर बात करें एनपीआर की जो डेट है वो यहां पर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही थी, और जो यहां पर आप लोगों का प्रीलिम्स है वो 31 मई को, तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये देखिए ये सारी जो चीजें होते हैं ना, आप लोग ऐसी चीजें जो पहले से ही एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, सर पोस्टपोन हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, यार आप लोग ये देखो कि इतना अच्छा टाइम आप लोगों को मिला है सेल्फ स्टडी करने का। एग्जामिनेशन हॉल में जिस टाइम आप लोग बैठे होते हैं ना, उस टाइम में ये सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा आप लोगों के काम आती है, क्योंकि ये आप लोगों के द्वारा खुद एनालाइज की गई चीजें होती हैं, और इससे बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती आप लोगों की लाइफ में जो आप लोग खुद से समझकर अपने आप चीजों को प्रिपेयर करते हैं। तो इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, अगर आगे भी जो भी होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी, पर लेकिन जब तक यूपीएससी के द्वारा ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन निकलकर नहीं आता है कि हां एग्जाम को पोस्टपोन करना है या फिर नहीं करना है, तब तक कोई भी कोताही आप लोगों को अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं बरतनी है। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, ये फालतू की अफवाहों में आप लोग न पढ़ा करें। जब तक गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई यूपीएससी की एजेंसी के द्वारा या यूपीएससी के द्वारा या फिर किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो एग्जाम की बात की जा रही है, चाहे वो लॉकडाउन की बात की जा रही है, या फिर फर्दर कोई भी चीजें हैं, तो अफवाहों में बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो जो प्रीलिम्स है वो अपनी फाइनल डेट रखनी है आप लोगों को 31 मई, ठीक है, उसके बाद में जो भी चीजें होंगी वो सबके साथ में है। आप लोग एक बार ये सोचकर चलिए थोड़ी देर के लिए, जो 31 मई को अगर आप लोग अपना टारगेट मानकर फाइनल डेट मानकर प्रिपरेशन करते हैं, तो सोचिए कि अगर मान लीजिए इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया 1 महीने के लिए, तो आप लोगों के पास में 1 महीना और होगा उस टाइम पर। तो ये अगर प्रिपरेशन कंप्लीट आप लोग कर चुके तो उस टाइम पर और शानदार तरीके की प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे, पर लेकिन अगर अभी माइंड में रखकर आप लोग ये सारी चीजें चलोगे तो किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये जो 21 दिन है, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि किसी भी आदत को चेंज करने में 21 दिन लगते हैं, अगर किसी काम को कंटिन्यूसली आप लोग 21 दिन तक करते हैं तो आप लोग बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी
बुरी आदत अडेप्ट कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, अच्छी आदत अडेप्ट कर सकते हैं और बुरी आदत आप लोग छोड़ सकते हैं। तो इसको आप लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ो, बैठ कर पढ़ने की प्रैक्टिस करो अपना, जो क्वेश्चन पेपर है उनको लगाओ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दो। तो ये एक अच्छा टाइम है जो कि इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी पास्ट में ऐसा टाइम नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम आप लोगों की लाइफ में ये टाइम आ रहा है, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं ये मानता हूं कि उन्होंने कम से कम जो इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो चीजें नहीं देखी होंगी। तो इसलिए आप लोग के टाइम में ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको एक तरीके से ऐसे मत देखें कि नेगेटिवली जिस तरीके से बातें चल रही हैं इसके बारे में, पॉजिटिवली लेकर आप लोग इसको चलना है कि मुझे एक बहुत ही शानदार तरीका एक टाइम ड्यूरेशन मिला है और इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज करना है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी रोजी रोटी जो है वो कंप्लीटली स्टक डाउन हो चुकी है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि रिक्शा वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, या फिर कोई भी इस तरीके का लोग है, अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग हेल्प जरूर कीजिएगा और कोई भी र्यूमर को आप लोग न फैलाइएगा। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी जो भी अपडेट्स होगी तो हमारी जो वीडियो तो कंटिन्यूअस चली रही है, आज आप लोगों की जो क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं आई है, जो कई सारी वीडियो आ गई इसके चक्कर में, बाकी जैसे हिंदू हो गया हमारा न्यूज एनालिस्ट वाला पोर्शन हो गया, जैसे पॉलिटी की बात करें तो उसकी एक दो वीडियो आप लोगों की बची हुई है वो कवर करूंगा, इसी के साथ में ये सारी चीजें तो आप लोगों की चली रही हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी को अपने हिसाब से कंटिन्यू रखिए। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके की ऐसी चीजों के चक्कर में न पड़े कि हाँ ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी, आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छे से अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कराया, तब तक के लिए जय हिंद।